जी और मुकेश जी जो अवार्ड के कर्ता धर्ता ऑनर हैं, तो अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं न्यू टैलेंट को और लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड पे बुला के सम्मानित किया, तो अच्छा लगा मुझे। यही है कि बस मेरी मूवी अभी रिलीज़ होने वाली है नवंबर दिसंबर में, रंगला पंजाब। रंगला पंजाब एक ऐसी मूवी है जैसे पंजाब में जो ड्रग्स और फीमेल फेटिसाइड का इशू है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। जैसे उड़ता पंजाब मूवी थी उसमें बहुत गलत दिखाया था उन्होंने कि पंजाब में इतना ड्रग्स है, इतना ये, इतना कुछ भी नहीं है पंजाब में। हम लोग रंगला पंजाब मूवी में ये दिखा रहे हैं कि जो हमारा पंजाब है वो रंगला पंजाब है, वो अमली पंजाब नहीं है। तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम लोग थोड़े टाइम बाद उसको रिलीज़ कर रहे हैं, दिवाली तक रिलीज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि पूरे पंजाब में इतनी ड्रग्स नहीं है, ड्रग का इशू है, पूरे भारत देश का इशू है और पूरे देश को मिल के ड्रग्स को अपने देश से बाहर निकालना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग थोड़ा पैसा कमाने के लिए एक ही स्टेट के ऊपर टारगेट कर दें कि भाई उड़ता पंजाब नहीं है, हमारा रंगला पंजाब है। तो ये मूवी हम लोग लेके आ रहे हैं थोड़े टाइम में, और उससे पहले मेरे 2-3 गाने बॉलीवुड में रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो गाना मैं एक आपको सुनाता हूँ। अभी थोड़े टाइम में मेरा एक गाना रिलीज़ होने वाला है बॉलीवुड में, उसके बाद बैक टू बैक भी मेरे 3-4 गाने और रिलीज़ होने वाले हैं। अभी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर के साथ, अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। इंडस्ट्री अच्छी है, टैलेंट लोगों की कदर है यहाँ पे। फिल्म का ट्रेलर हम लोग नवंबर में रिलीज़ कर रहे हैं रंगला पंजाब का, तो उसके बाद फिर इसकी जल्दी रिलीजिंग करें, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पंजाब के जो हालात गलत दिखाए गए उसको ठीक करने के लिए कि हमारा पंजाब ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी रंगला पंजाब।